पालक सब कुछ लगाया। अच्छा सर, यहाँ हमारे यहाँ ये अच्छा। कुदरत का ही करिश्मा है। अच्छा, जहाना पत्थर में ही ऐसे खेत। नमस्कार, रियासी के इन खेतों में कुदरत का करिश्मा दिखाई देता है। पत्थरों के बीच फसल कैसे उगती है, आइए स्थानीय निवासियों से जानते हैं। जैसे आलू, अच्छा, मूली, शलगम, अच्छा, हाँ, पालक सब कुछ लगाया। अच्छा, जहाना पत्थर में ही ऐसे खेत, मतलब ऐसे ही खेत है। सभी खेत पत्थर जैसे? हाँ, पत्थर जैसे ही है। क्या क्या लगाते हैं? मक्की जैसे, गेहूँ। अच्छा। हाँ, जैसे सरसों। अच्छा। हाँ, कैसे संभव है पत्थर में ये गेहूँ? सर, यहाँ हमारे यहाँ जितनी भी जमीन है, अच्छा, पूरी जमीन में ये पत्थर ही पत्थर है। अच्छा। कंकरा टाइप है, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इसी अच्छा। में हम गंदम बीजते हैं, मक्की बीजते हैं, आलू अच्छा। लगाते हैं, जितनी भी फसलें हैं, सरसों लगाते हैं। अच्छा। और वो जो अच्छी मिट्टी वाली जमीन है उससे ये ज्यादा फसल देती है। ये अच्छा। कुदरत का ही करिश्मा है। अच्छा। कि हमारे यहाँ पत्थर, जितने पत्थर हैं इतनी ही ज्यादा फसल होती है। अच्छा। यहाँ ना तो कहीं बारिशों में इसका नुकसान होता है, ना ज्यादा धूप में नुकसान होता है। इसके अच्छा। अंदर जो नमी है ना, अच्छा, तो इन पत्थरों में नमी जो है कि अच्छा। वो 12 महीने रहती है, एक जैसी रहती है। अच्छा। और इतना एकदम बढ़िया फसल होती है, एकदम बढ़िया मक्की, गेहूँ, जैसे सरसों हो गया, आलू हो गया, बहुत बढ़िया सब्जी होती है।